अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर अरिश्पा। आप देख रहे हैं डॉक्टर अरिश्पा का चैनल। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज मैं एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो बहुत ही अहम है आप सबके लिए। ये टेबलेट में क्योंकि ज़्यादातर लोग पूछते हैं किस चीज़ के लिए ये टेबलेट यूज़ किए जाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये किन चीज़ों के लिए, किन बीमारियों के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये क्यों यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर लोग दूसरे डॉक्टर्स तो दे देते लेकिन पता नहीं होता कि ये किन चीज़ों के लिए, कि ज़्यादातर डॉक्टर्स ज़्यादा मेडिसिन वगैरह दे देते तो पता नहीं चलता कि ये किस बीमारी के लिए ये मेडिसिन यूज़ करें। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये किस बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो, तो आप मुझे मैसेज करके, आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं आपको आंसर भी दूंगी, रिप्लाई ज़रूर दूंगी मैं आपको। तो चलिए बताते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ इसके बारे में। फॉलोन मेडिसिन है, इसके पहले टेबलेट है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये यूज़ करते हैं वो लोग जिनको आयरन की कमी होती है और ब्लड की कमी होती है, ज़्यादातर उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको ब्लड की कमी है और जिनको आयरन की कमी है, ये उनके लिए यूज़ किया जाता है। जो दूसरे टेबलेट हैं वो मैं आपको बताऊँगी, ओपीकैप टेबलेट है, जैसे ओमेप्राजोल टेबलेट भी हो गई, ओपीकैप हो गई, राइजिक हो गई, ये सारी टेबलेट जो है जिनको मैदे की बीमारी है, जिनको मैदे का दर्द हो रहा हो, खाना हजम नहीं होता, तो खाने से पहले एक टेबलेट लिया करें दिन में 2 मरतबा। ये 20 mg है, अगर आप 20 mg यूज़ करेंगे, ये 20 mg है, अगर आप 40 mg यूज़ करेंगे तो वो दिन में एक यूज़ होती है खाने से पहले, लेकिन जबकि ये 20 mg है तो ये आप यूज़ करेंगे दिन में 2 मरतबा। सुबह नाश्ते से पहले भी यूज़ कर सकते हो, दोपहर के खाने से पहले भी यूज़ कर सकते हो और रात के खाने से पहले भी यूज़ कर सकते हो। तो दिन में 2 मरतबा यूज़ किए जाते हैं। नहार मुँह यूज़ किया करें और खाने के बाद यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि मैदे की टेबलेट है। आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो वो जल्दी हज़म भी हो जाएगा और मैदे की भी कोई तकलीफ़ वगैरह, कोई दर्द वगैरह नहीं होगी। सो प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका प्यार होगा मेरे लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट।